डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। झारखंड स्टेट गेम्स 2019 के लिए रविवार की संध्या में मसाल रहरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त अरवा राजकमल ने पोस्ट ऑफिस चौक से हरी झंडी दिखाकर खिलाड़ियों को मसाल रैली के लिए रवाना किया। झारखंड ओलंपिक गेम्स के लिए राज्य के सभी जिले से ओलंपिक मसाल रैली का भ्रमण झारखंड ओलंपिक संघ की ओर से किया जा रहा है। रविवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला ओलंपिक संघ की ओर से मसाल रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपायुक्त अरवा राजकमल, एसडीओ परितोष ठाकुर, डीएसपी प्रदीप उरांव, संघ के अध्यक्ष ललित शर्मा, महासचिव अजय नायक, संयुक्त सचिव जितेंद्र मदेसिया, सदस्य संजय चौबे, चैबासा चैम्बर के अध्यक्ष नितिन प्रकाश, पूर्व अध्यक्ष अनिल खिरवाल, संस्थापक अनूप सुल्तानिया, सचिव मधुसूदन अग्रवाल के अलावे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी उत्कर्ष कुमार, राष्ट्रीय खिलाड़ी राहुल प्रधान, अंजलि गौंड, रजनी किरण पिंगुआ, किशन पिंगुआ, हीरामिनी सिंकू के अलावे काफी संख्या में खिलाड़ी मौजूद थे। मसाल रैली पोस्ट ऑफिस चौक से निकलकर कपड़ा पट्टी, जैन मार्केट चौक, बस स्टैंड, जैन पेट्रोल पंप, सदर थाना होते हुए वापस पोस्ट ऑफिस चौक लौट गई। टॉर्च रैली से पूर्व उपायुक्त ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि टॉर्च का एक महत्वपूर्ण स्थान है। खेलों में जागरूकता पैदा करने के लिए टॉर्च दिया जाता है। रांची में आयोजित झारखंड स्टेट गेम्स में 150 की संख्या में खिलाड़ी भाग लेंगे। जिले में आर्चरी, फुटबॉल और कराटे के बेहतर खिलाड़ी हैं। यहाँ के खिलाड़ियों का खेल में काफी रुचि रहा है। आशा है कि रांची में होने वाले खेल में काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आज बहुत खुशी के विषय है कि जो टॉर्च इसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। टॉर्च का कोई भी गेम्स किसी भी लेवल में होता है तो टॉर्च एक सिंबॉलिक रूप में न सिर्फ प्रचार प्रसार बल्कि एक खेल के प्रति एक जागरूकता पैदा करने के लिए वो टॉर्च दिया जाता है। तो वो टॉर्च जो सभी जिला में जो घूमते घूमते आज पश्चिमी सिंहभूम जिला में भी आया है, तो ऐसे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना मेरे लिए गौरव की बात है। और जैसे ललित जी ने बताया कि 150 की संख्या में यहाँ से खिलाड़ी वहाँ जाएंगे खेलने के लिए कोटवार में। मुझे उम्मीद है कि पूर्व की तरह जैसे पश्चिमी सिंहभूम जिला में लोग हमेशा, मतलब दूसरे जिले में भी लोग बोलते हैं कि यहाँ आर्चरी के बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं, यहाँ एथलेटिक्स के बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं, उसी तरह मार्शल आर्ट्स में भी कराटे सब में बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल के प्रति लोगों के बीच में काफी अवेयरनेस है। इसे खेल के प्रति हम लोग जानते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में काफी सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी पूर्व में आए हैं, जरूर स्टेट लेवल गेम्स में भी पश्चिमी सिंहभूम जिला के लिए आप काफी सारे मेडल लाएंगे और एक अच्छा पोजिशन में इस जिला को रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको पूरे गेम्स में अच्छा सपोर्ट मिलेगा और जिला एसोसिएशन जो ओलंपिक एसोसिएशन है इनके द्वारा काफी मेहनत किया जा रहे हैं। पूर्व में भी एक अच्छा एक इवेंट कुछ ही महीने पहले इन्होंने कराया, जरूर जैसे ललित जी ने बताया जिला प्रशासन हमेशा आगे रहेगा। जो भी जहां भी आपको स्पेस की जरूरत हो, फंड की जरूरत हो, कोई अदर स्पॉन्सरशिप की जरूरत हो, लॉजिस्टिक्स की जरूरत हो, सिक्योरिटी की जरूरत हो, आप बेहिचक मेरे पास आइए, जरूर इस क्षेत्र में खेल के प्रति न सिर्फ पब्लिक जागरूक है बल्कि आप जैसे लोग जो लीड करने वाले भी जागरूक हैं, तो बहुत जरूर बहुत जल्दी हम लोगों को यहाँ काफी खेल के क्षेत्र में विकास देखने के लिए मिलेगा। उसी में कानून है, सामने आने चलूंगा, रुक जाओ डीसी बहुत पीछे। हम मानिए दौड़ रहे राय जी। शिक्षित बेरोजगार टोटो चालक संघ का रविवार को हुए आम चुनाव में मुन्ना तिवारी अध्यक्ष और तनवीर निसार सचिव चुने गए। विजेता प्रत्याशियों का चालक संघ के सदस्यों ने स्वागत किया। कांग्रेस भवन में शिक्षित बेरोजगार टोटो चालक संघ का 5 पदों के लिए आम चुनाव हुआ। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मुन्ना तिवारी, कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार धर्मा लकड़ा, उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, जबकि सचिव और उप सचिव पद के लिए चुनाव किया गया। सचिव पद पर तनवीर निसार और रंजीत सुंडी, जबकि उप सचिव पद के लिए अमरनाथ और शाहिद अहमद आमने सामने थे। दोनों पद पर चुनाव में खड़े प्रत्याशियों के भाग का फैसला 542 मतदाता के द्वारा किया जाना था।
दोनों पद के लिए हुए चुनाव में 235 मतदाता ने मतदान में भाग लिया। सचिव पद के लिए हुए चुनाव में अमरनाथ दास को 130 मत और साहिद अहमद को 92 मत प्रदान हुआ। उप सचिव पद के लिए हुए चुनाव में तनवीर निसार को 128 मत और रंजीत को 94 मत प्रदान हुआ। संघ के सभी लोगों ने विजयी प्रत्याशियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। आज के दिन जो हम लोग शिक्षित बेरोजगार संघ का जो चुनाव हुआ, उसमें 5 कैंडिडेट खड़े हुए थे, जिसमें हम, मेरा नाम मुन्ना तिवारी अध्यक्ष पद के लिए, और उप सचिव क्या नाम है उपाध्यक्ष में जीतू तिलकी है, और एक कोषाध्यक्ष में धर्मा लकड़ा हो। ये सब का अगेंस्ट में कोई था नहीं, तो हम लोग निर्विरोध जीत गए हैं। और दो सचिव और उप सचिव में चुनाव हुआ है, उसमें एक पार्टी अगेंस्ट में खड़ा थे, तो उसमें तनवीर निसार 128 वोट और रंजीत सुंडी 94 वोट, और उप सचिव में शाहिद 92 वोट है और अमरनाथ 130 वोट है। द स्टेटमेंट विंटेज एंड क्लासिक रैली में चैमासा के गुरमुख सिंह खोकर ने लगातार 27वीं बार इंडियन ऑयल ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। रैली का आयोजन कोलकाता में किया गया। 50वीं बार आयोजित इस रैली में वर्ष 1933 में बनी अपनी विंटेज कार ऑस्टिन 7 और विंटेज मोटरसाइकिल विलियर्स के साथ गुरमुख सिंह खोकर 1992 से लगातार हिस्सा ले रहे हैं। इस बार को मिलाकर 27 बार इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। रैली में 57 विंटेज कारों और 10 विंटेज मोटरसाइकिल ने हिस्सा लिया। इसके अलावा 81 क्लासिक कारों और 40 क्लासिक मोटरसाइकिलों ने हिस्सा लिया। रैली में कुल मिलाकर 191 गाड़ियां शामिल हुई। झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से आज लुपुंगुटु में वन भोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। संघ के उपाध्यक्ष अशोक राम और प्रधान सचिव उपेंद्र प्रसाद ने कहा कि शिक्षक की समस्याओं के समाधान के लिए एकजुटता जरूरी है। इसके लिए हर शिक्षक को संघ से जुड़ना चाहिए। वनभोज के दौरान शिक्षकों ने लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाया। अशोक कुमार जैन नॉकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में सेसा चक्रधरपुर की टीम ने एक तरफा मुकाबले में SR रुंटा ग्रुप को 7 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ की ओर से बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर सेसा चक्रधरपुर की टीम ने पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए SR रुंटा ग्रुप की टीम ने 31 ओवर 3 गेंद में 155 रन बनाया। जीत के लिए 156 रनों का पीछा करने उतरी सेसा की टीम ने 23 ओवर 5 गेंद पर 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विजेता और उपविजेता टीम को और व्यक्तिगत पुरस्कार अतिथियों द्वारा दिया गया। सूरजमल जैन डीएवी पब्लिक स्कूल चैमासा में आज अराजपत्रित और राजपत्रित कर्मियों के लिए हिंदी टिप्पण प्रारूप और हिंदी लिखने पढ़ने की योग्यता परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में 382 में से 372 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।